हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक। तो वो लोग जो मुझे जानते नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम रॉबिन है। आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन एरोनॉटिक्स एंड नाउ आई हैव टर्न माई सेल्फ इन टू अ बिजनेसमैन एज वेल अ यूट्यूबर ऑल्सो। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज संडे होने के वजह से आज सुबह बहुत लेट उठा, मतलब 10 बजे कुछ तो उठा मैं। ऊपर से मम्मी ने भी बहुत चिल्लाया आज, और ऊपर से ये भी बोल दिया कि तू क्या बिजनेसमैन बनेगा और यूट्यूब तो तू भी छोड़ दे क्योंकि तेरा कंटिन्यूटी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या करे, इससे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जो कल परसों जो टायर बनाया था हमने, उसका कस्टमर सुबह सुबह आ गया था, उसका भी टायर फिटिंग करके दे दिया। सुबह मैं लेट आ गया, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं था काम देखने के लिए उसका। तो जो हमारे वर्कर लोग हैं उन्होंने पूरा संभाल लिया, वो सब वो पहले से ही संभालते आ रहे हैं क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड है और जितना मुझे काम मालूम उससे वो 100 गुना ज़्यादा जानते हैं। तो आज तो इतना कुछ वर्कलोड ज़्यादा नहीं है तो मेरे पास थोड़ा टाइम, इसलिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अगर आप कौन सा टायर परचेस करते हो कौन सा भी कंपनी का, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दिनेश, वो अपना ब्रिजस्टोन का टायर निकल। बेसिकली ये ब्रिजस्टोन का टायर है, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है सामने, इसके ऊपर पूरा गेम रहता है, मतलब इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता है टायर का क्वालिटी क्या है क्या नहीं है वो। तो ये जो नंबर है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, जो हर एक जो नंबर है उसका अलग अलग डेफिनेशन है यार। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 165 80 R15 87 S, तो इसका पूरा अलग अलग इन्फॉर्मेशन, इसको मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। जो पहले मैंने जैसे आपको बताया था 165 डिनोट करता है द विड्थ टायर। जितना आप ज्यादा विड्थ का टायर लोगे उतना वो टायर महंगा रहेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छा देता है बाकी को टायर से। इसलिए कौन सा भी आप गाड़ी देखो, BMW, मर्सिडीज, वॉल्वो, पोर्शा, कौन सा भी आप गाड़ी देखो, उसमें टायर का विड्थ हमेशा ज्यादा रहता है। अभी जो है जो सेकेंड नंबर दिया है वो डिनोट करता है द हाइट ऑफ द टायर। हाइट ऑफ द टायर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 80 लिखा तो ये 80 mm में नहीं होता। अभी जो टोटल विड्थ रहता है उसका 80% या हाइट है टायर का, वो आपको इतना क्लियरली समझ में आएगा, उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। अभी जो आर जो ये इंडिकेट किया है उसका मीनिंग रहता है रेडियल। देर आर टू टाइप्स ऑफ टायर, फर्स्ट वन इज नॉर्मल टायर एंड सेकेंड वन इज रेडियल टायर। तो जो मैक्सिमम फोर व्हीलर जो गाड़ी रहती है उसमें रेडियल टायर ही यूज किया जाता है बिकॉज इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू द टायर। ओके, अभी जो यहाँ पे जो 15 लिखा है R15 तो रेडियल है उसको, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो अभी जो ये 15 का जो मीनिंग रहता है वो रहता है रिंग साइज मतलब द डायमीटर ऑफ द टायर। अभी जो ये जो पूरा सर्कुलर पार्ट है ये डायमीटर है, तो डायमीटर का साइज 15 है। अभी जो 87 ये डिनोट किया है इट इंडिकेट्स द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टायर। फॉर एग्जाम्पल इसका अलग से एक चार्ट रहता है टायर का, जो फिर टायर का जो होल्डिंग कैपेसिटी रहता है उसके ऊपर क्लियर से वो बतिशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 87 लिखा, 87 इंडिकेट्स द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 400 to 450 kg समथिंग। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट S लिखा है, दिस इंडिकेट्स द स्पीड कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर टायर। तो ये टायर का कैपेसिटी है 180 km/h, तो इसके हिसाब से फिर अलग अलग अल्फाबेट्स रहते हैं। अगर समझो S लिखा है तो 180 km/h, तो फिर A1, A2 करके A8 तक अलग से चार्ट रहता है। उसके बाद में फिर B2Z उसका अलग चार्ट रहता है। तो उसमें से एक ये है जो S लिखा है, इसका कैपेसिटी 180 km/h है। तो जब भी आप टायर खरीदोगे तो ये सब आप देख लेना, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया है सही लगेगा तो जस्ट लाइक द वीडियो, कमेंट वॉट एवर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो मौसम तो बहुत सही हो चुका है यहाँ पे, ना बारिश है ना ठंड है ना धूप है, सिर्फ हवाएं चल रही है ठंडी, और हमारी बिल्ली यहाँ पे सुकून से सो रही है।
अभी क्या कर रहा है? बे गधे। और जोर से आ गया बारिश। अच्छा जल्दी डाल दिया, उधर से डाला कि उसके ऊपर? इतना होता है।